नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि विपणन केंद्र दौसा के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कृषि विपणन केंद्र जो कि गवर्नमेंट कैटेगरी अंदर आता है, यानी गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंडर काम करता है कृषि विपणन केंद्र दौसा। उसका एड्रेस की बात करें तो ये कृषि विपणन केंद्र खेड़ला खुर्द लालसोट रोड डिस्ट्रिक्ट दौसा के अंडर, यानी जो खेड़ला खुर्द गाँव है लालसोट रोड पर, वहाँ पर ये दौसा डिस्ट्रिक्ट में ये कृषि विज्ञान केंद्र दौसा बना हुआ है। आप बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अटारी एड्रेस है वो ICAR अटारी जोन सेकंड जोधपुर काजरी कैंपस डीजल शेड रोड पोस्ट ऑफिस कृषि उपज मंडी बासनी जोधपुर। और होस्ट इंस्टीट्यूट नेम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिचवाल बीकानेर राजस्थान। आप यहाँ पिन कोड की बात की जाए 3033033। और वेबसाइट की बात की जाए तो आप यहाँ पे वेबसाइट दिख रहे हैं, इस वेबसाइट के थ्रू आप कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के बारे में अन्य जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो यहाँ पे 341383 हेक्टर है और ये एग्रो क्लाइमेट जोन थर्ड ए के अंडर आता है। और इसका जो एवरेज रेनफॉल है वो 541 mm है और जो सोयल टाइप है यहाँ की जो सैंडी लोमी टू कले है। अपन बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कौन कार्यरत है वर्तमान में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सबसे ऊपर की पोस्ट है वो यहाँ की पोस्ट है हेड या सीनियर साइंटिस्ट, तो वो यहाँ के है डॉक्टर BL जाट। आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर BL जाट जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एग्रोनॉमी से और उनकी जो जॉइनिंग डेट है वो 11/6/1997 की है। इसके बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर RL मीना जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट ब्रीडिंग से और इनकी जो जॉइनिंग डेट है वो 4/7/1997 है। उसके बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर बबीता डींगवाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर है होम साइंस से और उनकी जॉइनिंग डेट है 28/8/2012। इसके बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर अक्षय सितोरा जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है हॉर्टिकल्चर से और उनकी जॉइनिंग डेट है 9/7/2018। उसके बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से, उनकी जॉइनिंग डेट है 6/2/2018। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ की ड्राइवर की बात की जाए तो श्री शंभुदयाल मीना और उनकी जॉइनिंग डेट है 22/10/1990। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीचे सब देखिए फार्म मैनेजर डॉक्टर मोतीराम धाकड़ टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और उनकी जो जॉइनिंग डेट है वो 17/2/1990 है। आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्राम असिस्टेंट की बात की जाए तो डॉक्टर JK गुप्ता टेक्निकल असिस्टेंट है वो एंटोमोलॉजी से, उनकी जो जॉइनिंग डेट है वो 22/4/1998 है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर यहाँ पे वो श्री ऋषि कुमार शर्मा हैं और जो कि LDC पोस्ट से बिलोंग करते हैं और उनकी जॉइनिंग डेट है वो 21/5/1995 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वापस वही जियोग्राफिकल एरिया एग्रो क्लाइमेट जोन सोइल टाइप, लेकिन यहाँ कल्टीवेटेड जो एरिया है वो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 338245 हेक्टेयर है यहाँ पे और टोटल इरीगेटेड एरिया है यहाँ पे वो यहाँ पे आप देख रहे हो 166805 हेक्टेयर और रेनफेड एरिया की बात की जाए तो 173540 हेक्टेयर। अब बात करते इस दौसा KVK के इस्टेब्लिश कब हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 18/18/1995 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक है 6 है, नंबर ऑफ विलेज है वो 1062 है जो KVK कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के अंडर काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए 13,17,063 यानी 2011 की ये पॉपुलेशन है। इसके बाद आप देख रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया, फिर वही बात नेट एरिया सोवन कितना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो 218,032 हेक्टेयर। टोटल इरीगेटेड की बात करें 166805 हेक्टेयर। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ की बात की जाए यानी तो 2.14 हेक्टेयर। टोटल फार्म फैमिलीज की बात की तो 115,884। एवरेज रेनफॉल 563। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट या इस KVK के अंडर जितने भी गांव आते हैं उनकी जो लिटरेसी लेवल देखा जाए तो 66.80 यानी 66.80% यहाँ की साक्षरता दर है, जिनमें 79.40 मेल एंड 42.30 फीमेल्स है। मेजर सोइल टाइप यहाँ के सैंडी टू सैंडी लोम और सैंडी लोम टू कले लोम। मेन सोर्सेज की बात की जाए यहाँ पे तो बोरवेल है, ट्यूब वेल है और ओपन वेल है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए यहाँ पे तो 11,424 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र के जो पब्लिकेशन है आज तक
सक्सेस स्टोरीज, टू फोल्डर्स एंड एक बुकलेट यहाँ से पब्लिश कर दिया है इस कृषिविज्ञान के अंदर दोस्तों ने। और आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।